हेलो जी, सत श्री अकाल। की हालचाल? सो गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज वीडियो की शुरुआत हो गई है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, पूरा बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। आप वीडियो स्किप करते हैं ना, तो वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसा कि फ्रेंड, आप कभी वैष्णो देवी माता मंदिर गए होंगे, वहाँ पे वैष्णो माता दर्शन करने के बाद वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी ही तरह अगर आप स्वर्ण मंदिर जाते हैं और स्वर्ण मंदिर में आप दर्शन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि दर्शन तो कर लेते हैं लेकिन स्वर्ण मंदिर की यात्रा भी तभी सफल होती है कि हम वहाँ पे और भी बहुत से गुरुद्वारे हैं, अगर हम उस जगह भी डुबकी लगाते हैं तो हमारी स्वर्ण मंदिर की जो यात्रा होती है वो पूरी हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है स्वर्ण मंदिर का ये किचन है जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह कटी जा रही है, सेवा की जा रही है। और ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा बच्चा था जो कि हुजूर साहब से आया हुआ था। तो इनके पास भी मेरे माँ, जैसा कि मेरे मासा जी आप देख रहे हैं, वो बहुत ही मतलब गुरु में विश्वास करते हैं और गुरु की वाणी पढ़ते हैं, उनको दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तो ये बच्चा मिल गया था, तो इनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जी के अस्त्र शस्त्र ही मान के यहाँ पे सभी उसके दर्शन कर रहे हैं, सभी मत्था टेक रहे हैं। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये वहाँ का है, नांदेड़ का है, हजूर साहब का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी एक गुरु की ही चीज़ होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं, तो आप भी कर लीजिए। और ये बहुत ही क्यूट बच्चा था जो कि ये अमृतसर आया हुआ था, वहाँ से मतलब नांदेड़ से ये दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो अभी चलते हैं कि हमें अमृतसर के कौन कौन से गुरुद्वारे हैं जिनके हमें दर्शन करने से और हमारी जो यात्रा होती है वो पूरी सफल हो जाती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम चल रहे हैं यहाँ से, और गार्डन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा गार्डन है। और साथ में मासी जी भी हैं हमारे, पीहू है और मासा मासी, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था। और गर्मी है, बट गुरुद्वारे में इतनी व्यवस्थाएं होती है कि गर्मी का पता नहीं चलता है। अगर आप थोड़ा बाहर निकलते हैं तब पता चलता है, देख सकते हैं जैसे पट्टियाँ वगैरह, वो कालीन वगैरह बिछा होता है, तो इनसे पता नहीं चलता है कि गर्मी है या नहीं है। इतना कुछ खाने पीने का मिलता है, इतनी सारी व्यवस्थाएँ की होती हैं। तो अब हम दर्शन करेंगे कौन कौन से गुरुद्वारे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन गुरुद्वारे के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम चलने वाले हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे ना एक छोटी सी ट्रैक्टर था जो कि बहुत ही यूनिक और जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो पीहू यहाँ पे बैठ गई, मतलब सभी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, तो पीहू ने भी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा ली। मैंने बोला चल ठीक है, अभी दूसरी जगह दर्शन करने चलना है तो छोड़ो। तो यहाँ पर जैसा कि हम आ गए हैं, और ये है जोड़ा घर, यहाँ पर हमने जोड़े जमा करवा लिए थे, बट हमने अपने जोड़े जमा करवा लिए थे बट मासा मासी नहीं करवाए थे, बट मासा जी के जोड़े मतलब कहीं खो गए थे। सो कोई नहीं, तो चलता रहता है, सभी गुरु की है। तो यहाँ पे हम अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये है बाबा गुरु अटल राय जी का गुरुद्वारा है जो कि अमृतसर के पास में है। इस गुरुद्वारे में हम दर्शन कर रहे हैं, और आप जब भी अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, दरबार साहिब में जब भी आप आते हैं, मत्था टेकते हैं, तो हमें इन गुरुद्वारों में भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वर्ण मंदिर आते हैं तो स्वर्ण मंदिर के पास में बहुत से गुरुद्वारे हैं जो कि हमारी यात्रा को सफल बनाते हैं अगर हम इनके दर्शन करते हैं। तो स्वर्ण मंदिर के पास में ही ये गुरुद्वारे साहिब है, तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा अटल राय जी का गुरुद्वारा है ये, जो कि आपने इतिहास में देखा होगा। इस गुरुद्वारे की बात की जाए तो छठी पातशाह गुरु हरगोविंद राय जी के पुत्र बाबा अटल राय जी के 9 साल की उम्र में ज्योति जोत हो गए थे, उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा साहिब बनाया गया है, और इस उन्हीं की याद में ये 9 मंजिला इमारत बनाई गई है। हेलो, हाय, बाय। दर्शन करने आए हो? हाँ जी। कहाँ पे आए हो? बाबा अटल के पास आए। बाबा अटल के पास आए हो? बाबा अटल माता कोल सर। माता कोल सर, माता कोल, आप बताओ माता जी कितने आए यहाँ से? दसो इतिहास। माता कोल सर माता कोला जी, माता कोला जी कोल सर कर दिया।
माता कौला जी का है ये सरोवर साहेब। इस सरोवर को माता कोलसर के नाम से जाना जाता है जो कि बहुत ही पवित्र सरोवर है। देखते हैं गाइस अंगूर का पेड़, कितने सारे अंगूर हैं ये। अंगूर हैं यहाँ पर, ये अंगूर देख सकते हैं आप। अंगूर हैं ऊपर ऊपर पेड़ के ऊपर अंगूर हैं। नीचे अंगूर है, ये देखिए अंगूर ही अंगूर। और ये कर लीजिए यहाँ से आप दर्शन गुरुद्वारे के। दरबार साहिब के थोड़े से ही पास से उनके टच में ही ये दो गुरुद्वारे हैं, माता कोलसर और बाबा अटल राय जी के, जो कि बहुत ही पवित्र गुरुद्वारे हैं। अगर आप दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर आते हैं तो आपको इन गुरुद्वारों के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। इस अगर ये माता कोलसर का गुरुद्वारा है, यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं। क्या आपने भी कभी इस जगह दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस गुरुद्वारे में जो हमने अभी दर्शन किए थे उसको माता कोलान के नाम से जाना जाता है। और आप ये जो पवित्र सरोवर देख रहे हैं ये माता कोलसर का ही सरोवर है। कहा जाता है कि स्वर्ण मंदिर में डुबकी तो लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे भी डुबकी अवश्य लगाने चाहिए। दोस्तों अब हम यहाँ पे करेंगे ऊपर जाके दर्शन गुरु साहिब के, और बहुत ही प्यारा व्यू दिखने वाला है ऊपर से। तो अभी हम आ गए हैं 9 मंजिला ऊंची इमारत में, और देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। ये आप जो देख रहे हैं पूरा अमृतसर है, पूरा अमृतसर शहर यहाँ से दिख रहा है। और बहुत ही ऊंची इमारत है, बहुत ही बाबा अटल राय जी की याद में ये इमारत बनाई गई। और बहुत ही पूरा मतलब अमृतसर इतना प्यारा दिख रहा था ना, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखो अमृतसर का नज़ारा हो। मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही है धूप में। दरबार साहिब में तो मत्था टेकने आए होंगे, लेकिन आपने कभी इन गुरुद्वारों के दर्शन भी नहीं किए होंगे। अगर आप जब भी आते तो यहाँ पे भी दर्शन आप जरूर करिएगा। तो ये जो जोत देख रहे हैं ये बाबा अटल राय जी की अखंड जोत है। आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।